राजपुरा गांव में एक गरीब किसान रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। रमेश टेसू के फूलों की खेती करता था। हर साल होली पर उन्हीं फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं थी। क्या जी, सुबह से लगे हो, कब तक बनेगा आपका रंग? हमें कमला के घर जाना था, उसके घर होली के गीत होने वाले हैं। अरे हाँ, ऐसा करो तुम चली जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं कहती हूँ छोड़ो ये सब, जितने मन से ये रंग बनाते हो उतने मन से कोई खरीदता भी तो नहीं। ले देखे, एक दो रंग तो होते हैं आपके पास, और जरा बाजार जाकर देखो। अरे दूर क्यों जाते हो, अपने पड़ोसी बिरजू भैया को ही देख लो, उन्होंने भी इस बार अपनी दुकान होली के नए नए सामान से भर रखी है। ऐसे में कौन खरीदेगा तुम्हारे ये फीके रंग? नहीं शांति, सब क्या कर रहे हैं ये देखकर मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता। मेरे दादा बाबा सभी ये काम करते थे, और तुम्हें पता है शांति, असली होली तो इन्हीं टेसुओं के फूलों से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं से होली खेलते थे। हाँ, लेकिन तब ये चाइनीज रंग नहीं आते थे बाजार में, समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है। तुम कुछ भी कहो शांति, मैं ये काम नहीं छोड़ने वाला, मेरा तो मन इसी काम में लगता है। तुम समझ नहीं रही हो, ये रंग प्राकृतिक है, और जिन रंगों की बात तुम कर रही हो पता भी है कितने खतरनाक होते हैं वो। ये सब मुझे मत समझाओ, समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो उन रंगों को खरीदते हैं, और वो भी तुम्हारे रंग से कहीं ज्यादा कीमत देकर। इतना कहकर शांति वहाँ से चली जाती है। वो चाहती थी कि रमेश टेसू के फूलों की खेती करने के बजाय कुछ और काम करे जिससे ज्यादा कमाई, लेकिन रमेश तैयार नहीं। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले नए नए किस्म के रंगों के मुकाबले उसके रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन फिर भी गांव में कुछ लोग थे जो अब भी रमेश से रंग खरीदते थे। अरे रमेश, ला भाई दिखा तो इस बार कैसा रंग बनाया तूने। राम राम काका, लो इस बार फूलों की खेती बहुत ही अच्छी हुई है, देखो कैसा सुर्ख रंग बना है। आ भाई, रंग तो वाकई बढ़िया है, ला दे दे थोड़ा सा। क्यों काका, थोड़ा सा क्यों, होली नहीं खेलोगे? और बिरजू काका, वो नहीं आए इस बार रंग खरीदने? बिरजू, अरे उसने तो खाट पकड़ ली है बेटा, वैसे तो मेरा लड़का भी पहले से ही खरीद कर ले आया बाजार से रंग और बच्चों के लिए पिचकारियां भी, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मैं होली खेलूंगा तो सिर्फ रमेश के रंग से। बांध दिया रंग, लो ये पैसे लो। अच्छा बेटा चलता हूँ। काका लो ये थोड़े से फूल भी लेते जाओ, जितना बनाया है उतना रंग ही नहीं बिक रहा, तो और बनाकर क्या करूँगा, ये फूल भी पड़े पड़े बेकार हो जाएंगे। पूरे गांव में सिर्फ विष्णु काका ही थे जिन्होंने इस बार रमेश से उसका रंग खरीदा था। रमेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ रमेश के पड़ोसी बिरजू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। वो शहर से चाइनीज रंग खरीद कर लाया था, जो कि होली से पहले ही सारे के सारे बिक गए, साथ ही सारी पिचकारियां भी। अरे बिरजू भैया, अरे कहाँ चल दिए, दुकान नहीं खोलनी क्या? अरे सामान हो तब खोलू ना दुकान, कल ही सारा का सारा माल बिक गया, आज शहर जा रहा हूँ नया माल खरीदने। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई हुई कि नहीं? नहीं भैया, कल विष्णु काका आकर लेकर गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई नहीं आया। और कोई आएगा भी नहीं। माफ करना रमेश, तुम्हारा धंधा तो खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुझे भी तो कमाई करनी ही है। अब तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी ही हूँ जो पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त मेहनत और पैसा बर्बाद करूं, फिर रात दिन लगकर इनसे रंग बनाऊं, और फिर बैठकर मक्खियां मारूं। अब भी वक्त है, मान लो मेरी बात, मेरी दुकान पर मुझे एक आदमी की जरूरत है, ठीक ठाक पैसा दे दूंगा तुम्हें, मुझे भी भरोसे का आदमी मिल जाएगा और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। नहीं भैया अभी नहीं, अगर मुझे जरूरत हुई तो बताऊंगा आपको। अरे रहने दो रमेश, तुम तो निरे उल्लू हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। ऐसा नहीं था कि रमेश को बिरजू की दुकान पर काम करने से ऐतराज था, बल्कि सच तो ये था कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि एक न एक दिन लोग उसके फूलों की और उसके बनाए प्राकृतिक रंग की अहमियत भी जरूर समझेंगे। देखते ही देखते होली का दिन आ गया, हर तरफ रौनक थी, लेकिन रमेश के घर पर ऐसा नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था ये फालतू काम छोड़कर कोई दूसरा काम देख लो। अरे बिरजू भैया की बात ही मान लेते तो कम से कम त्योहार के दिन ऐसे खाली हाथ तो नहीं होते, अभी आते होंगे सब लोग होली मिलने, क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना बिट्टू बेचारा
अभी रो रो के सोया है। उसके सारे दोस्त नई पिचकारियों से होली खेल रहे हैं और वो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्यों नहीं है, ये इतना सारा रंग है तो सही। उसे बुलाओ बाहर, मैं खेलूंगा उसके साथ होली। रहने दो जी, ये भी कोई रंग है, बस नाम का है ये तो। रमेश शांति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विष्णु काका अपने पोते के साथ वहाँ जाते हैं। अरे रमेश, होली की बहुत बहुत बधाई। बेटा ये लो, बहू ने गुजिया बनाकर भेजी है। आपको भी होली की बधाई काका, भाभी को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिएगा। अरे ये तो अपना राजू है ना? हाँ, और आज ये भी तुमसे होली मिलने आया है। हैप्पी होली अंकल जी, और थैंक यू भी। हैप्पी होली बेटा, लेकिन ये थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? आपकी वजह से मैं ठीक हो गया, देखो अब मुझे कहीं भी नहीं जल रहा। राजू की बात रमेश को समझ नहीं आ रही थी। उसने विष्णु काका की तरफ देखा, तब उन्होंने रमेश को बताया। बेटा राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पिछले दो दिनों से ये खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी बिरजू की दुकान से लेकर गए थे रंग, जाने कैसा तेजाब जैसा रंग दिया इस बुर्जू ने। बच्चे के नाजुक खाल जल सी गई, इतना रोया कि कुछ पूछो मत, पूरा शरीर जल रहा था इसका। अच्छा, फिर क्या हुआ काका? डॉक्टर के पास ले गए होंगे? इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो टेसू के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस कर इसके पूरे शरीर पर लगाया, तो देखो शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों राजू, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था, एकदम ठीक हो गया मैं। और उसके बाद मैंने खूब होली खेली, और वो भी उस रंग से जो दादाजी आपके पास से लेकर गए थे, बहुत ही मजा आया। हाँ रमेश भाई, मेरे घर में तो सबने तय कर लिया है कि तुम्हारे बनाए रंग से ही होली खेलेंगे अब से, इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ दे दो जरा, और इस बार थोड़ा नहीं ढेर सारा देना। विष्णु काका की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काका को रंग बांध कर दे देता है। फिर थोड़ी ही देर बाद कुछ और लोग भी रमेश के घर आते हैं और उससे रंग खरीद कर ले जाते हैं, साथ ही टेसू के फूल भी, क्योंकि गांव में जिस किसी ने भी बिरजू की दुकान से रंग खरीद कर इस्तेमाल किए थे, उन्हें एलर्जी हो गई थी। और जैसे ही सबको राजू को हुए फायदे के बारे में पता चला, तो सभी अपने इलाज के लिए रमेश से उसके फूल खरीद कर ले जाने लगे। देखते ही देखते सारा रंग और फूल बिक गए, और ये सब देखकर शांति बहुत खुश थी, साथ ही साथ शर्मिंदा भी। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी, बाजार के रंग आपके बनाए रंग के आगे कुछ भी नहीं, और ये फूल मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी बिक सकते हैं। हाँ शांति, टेसू के ये फूल सिर्फ रंग बनाने के काम में नहीं आते, बल्कि इनसे तो कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इनसे खाल पर होने वाली कई बीमारियों के इलाज हो सकते हैं, बाबा ने बताया था मुझे एक बार। रमेश और शांति आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ बिरजू अपने बच्चे को गोद में लेकर आता है। उन दोनों का चेहरा और हाथ काफी लाल दिख रहे थे। अरे बिरजू भैया, ये क्या हो गया, ये लाल निशान? आप यहीं रुको, मैं बस अभी आया। रमेश फौरन घर के अंदर जाकर टेसू के थोड़े से फूल लेकर आता है और उन्हें शांति को देते हुए कहता है। अरे शांति, जाओ जल्दी से इन्हें पीस कर ले आओ और बिरजू भैया को दे दो, तब तक मैं खेत जाकर और फूल ले आता हूँ, इतने से काम नहीं चलेगा। रमेश की बात सुनकर बिरजू उसके सामने हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसके बिना कहे ही रमेश ने उसकी जरूरत समझ ली थी। रमेश बिरजू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। कोई बात नहीं बिरजू भैया, गलती सबसे होती है, बस अब फिर कभी वो रंग वापस मत बेचना, चाहे कितनी भी कमाई क्यों ना हो। हाँ अगर चाहो तो हम दोनों मिलकर अच्छा रंग बनाकर बेच सकते हैं। बिरजू सिर हिलाकर रमेश को हाँ कहता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। रमेश की होली भी अब फीकी नहीं थी, और बाकियों की होली भी बिल्कुल सुरक्षित थी, क्योंकि अब सबको प्राकृतिक रंगों की अहमियत जो समझ आ गई थी।